सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी का कीड़ा, अरे व्हाई वुड यू डू दिस? क्यों करेंगे आप? और वो क्या कर रहे हैं? नहीं आप बताइए ना, 30 स्टेट्स है, 30 स्टेट्स बताइए, 30 एनिमेटेड टेरिटरीज बताइए, बैठ जाओ। अरे तमिल से बात करो, तमिल से ही बात कर रहा हूं। छोरे आदमी तमिल से बात करो, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। इन दिनों संबित पात्रा अपने किसी न किसी बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में न्यूज चैनलों पर संबित पात्रा और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। आज इस वीडियो में बात उन्हीं डिबेट्स की करेंगे जिनमें संबित पात्रा कांग्रेस नेताओं के सवालों से बौखला गए। इंडिया टीवी पर वैक्सीनेशन को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में भाजपा नेता संबित पात्रा और कांग्रेस के नेता के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस डिबेट में कांग्रेस नेता ने संबित पात्रा से देश में कितने राज्य हैं ऐसा सवाल किया, जिस पर संबित पात्रा ने गलत जवाब दे दिया। मेरा एक सवाल है, मैंने बहुत धैर्य से संबित भाई साहब की बातें सुनी। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, संबित जी, भारत देश में कितने स्टेट्स हैं? क्या आप जानते हैं? एक सवाल है, प्लीज बताइएगा, कितने स्टेट्स हैं भारत में? हाँ, 30 स्टेट हैं। मैं ये सब जीके खेलने यहाँ नहीं आया हूँ, बताइए। नहीं आप बताइए ना, 30 स्टेट्स हैं, 30 स्टेट्स बताइए। हाँ, एनिमेटेड टेरिटरीज बताइए, इससे क्या होगा, क्या हो, इससे क्या होगा, क्या हो अधिकारी, इससे आप क्या यहाँ पे जीके एग्जाम नहीं खेलने आया? कहाँ कहाँ इससे कहाँ ले जा रही है बात को? चलिए ठीक है, ओके। अच्छा समय कम है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। पहली बात तो ये, आपने कहा, आपने कहा टू बेंच योर नॉलेज। आज तक पर कोरोना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में कांग्रेस नेता और भाजपा नेता के बीच आपसी तनातनी जारी थी। इसी बीच कांग्रेस नेता ने भाजपा नेता को कुछ गलत बोल दिया, जिस पर भाजपा नेता बौखला गए। हम एक गरिमा में पार्टी है और एक गरिमा में दो लाइन में जवाब समझी जी, बात खत्म हो रहा है। नहीं हूँ और इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ठीक है, चीन चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। आंकड़ों पे बात कर सकती है तो करिए, प्लीज। मैं आप चिल्लाएंगी, बोलने नहीं देंगी, लास्ट कहाँ दिखा पा रहे हैं? सांसद की कमी है सुप्रिया जी, दो लाइन में जवाब। चीन का नाम नहीं लेते आप, ये जोकर पंथी करेंगे और अपमानित भाषा। जल्दी से समझ जी, वक्त खत्म। अनपढ़ महिला से कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला से आप बात में क्यों करा रहे हो? अनपढ़ ठीक है, समझ जी, दो लाइन में जवाब दीजिए, आवाज ऊंची की। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ बोलने नहीं देगी। तुम दो कौड़ी के नाले से बोल रहे हो? अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े, क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी का कीड़ा, अरे व्हाई वुड यू डू दिस? क्यों करेंगे आप? और वो क्या कर रहे हैं? दो लाइन में चीन की आवाज ऊंची कीजिए। इंडिया टीवी पर सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में कांग्रेस नेता ने संबित पात्रा को सरकारी सेवाओं का लुत्फ उठाने को लेकर सवाल किया, जिस पर संबित ने कांग्रेस पर निशाना साधा, पर कांग्रेस नेता ने इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। सुन लीजिए, तो नरेंद्र मोदी जी तो दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जीते जी अपने नाम पर स्टेडियम ही बनवा लिया पूरा। और संबित पात्रा जी माफ कीजिएगा, लेकिन साउथ एवेन्यू के मकान में रहने के लिए आप एंटाइटल है क्या? आप कैसे रह रहे हैं? आप लीजिए लोकसभा आपके 10 लोग भी जैसे कमेटी में रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये आप पता लगा लीजिए। मगर आप ये बताइए कि एक नहीं है, नहीं है, आप ये पता लगा लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, एक परिवार पूरा का पूरा मीडियम पूरा का पूरा आधा तो इनके स्मारक है, वो 5-5 एकड़ के स्मारक है इनके पास। आप बताइए, 5-5 एकड़ के स्मारक है इनके पास, उन स्मारकों को हॉस्पिटल क्यों ना बना दिया जाए? मैं ये पूछता हूँ। न्यूज 18 पर कोरोना महामारी के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में भी कांग्रेस नेता और भाजपा नेता के बीच आपसी तनातनी देखने को मिल रही थी, लेकिन डिबेट में कांग्रेस नेता के सवाल से भाजपा नेता भागते नजर आए। उनको मिला था, पहले हिंदुस्तानी थे, जो 2 लाइफ टर्म मिला है, 20-10 साल उन्होंने काटे हैं अंडमान निकोबार के जेल में। इस गांधी पर इस नेहरू ने काटे हैं, 5 दिन 2 दिन जाके जेल में रह के आते थे क्योंकि एडमिरा के पैर दबाते थे। ये बताएंगे वीर सावरकर के बारे में? और इनकी अध्यक्षता तो अभी इनकी देखिए फिर गाली मैडम को, अरे गाली मैडम को गाली मैडम, इतिहास के बारे में ठीक पता है, नेहरू के बारे में ठीक पता है, बिल्कुल ठीक पता है। एडमिरा माउंटबेटन का और भी पोल खोलूंगा अभी नेहरू के साथ। अभी अभी अरे सुन लो, माफीनामा आपने लव लेटर लिखा था, नेहरू जी ने एडमिरा माउंटबेटन को हर दिन बैठ के लव लेटर लिखते थे, यहाँ माफीनामा के बारे में बोल रहे हैं? बैठ जाओ अमित भाई, बात करो, तमीज से ही बात कर रहा हूँ।
छोरे आदमी तमीज से बात करो, तो हम प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे आप हमारे लीडर को ऐसे बोलोगे ना सावरकर, हमारी शान है, हमारी शान को ऐसे बोलोगे। देश में महामारी को रोकने को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, इसका जवाब तो सरकार के नेताओं को ही देना होगा। इस पर सवाल चाहे न्यूज एंकर पूछे या फिर विपक्षी नेता। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।